Hello everyone, I welcome to you all in the Upadhyay career classes. In previous lecture, we have discussed about the states of matter. And today, we are covering the interconversion of states of matter. तो interconversion of states of matter को जानते हैं. तो ऐसा phenomena जिसमें matter का क्या हो, state change हो और वापस original position में आ जाए, मतलब original state में आ जाए, इसी को क्या कह देते हैं हम interconversion of states of matter. For example, जैसे कि आप सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन करते हैं, लिक्विड टू गैस में कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, तो गैस टू लिक्विड में आ जाए और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में आ जाए, तो यही क्या कहलाता है, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, अब ये इंटर कन्वर्जन डिपेंड करता है दो फैक्टर्स के ऊपर. पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर. जैसे जैसे हम वेरिंग प्रेशर और टेम्परेचर पर काम करेंगे तो इंटर कन्वर्जन होगा मैटर का या स्टेट्स ऑफ मैटर का. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन की. सॉलिड स्टेट से जब लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे टेम्परेचर के क्या क्या काम होते हैं या फिर टेम्परेचर के कारण क्या क्या वेरिएशन यहाँ पर देखने को हमें मिलती है. तो सबसे पहले जैसे ही आप किसी सॉलिड को लें, फॉर एग्जांपल एग्जांपल के तौर पे मैं क्या बोलता हूँ कि मैंने 0 डिग्री पर आइस को लिया. ठीक है, 0 डिग्री पर आइस को लेने के बाद मैंने इसको क्या किया, हीट देना चालू की, विच इज आई एम गिविंग दी टेम्परेचर. ठीक है, मैंने टेम्परेचर को देना चालू किया. ठीक है, टेम्परेचर को जैसे जैसे हमने बढ़ाया तो क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी. मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है साथ में क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के साथ में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रैंडम फैशन में भागना चालू करते हैं. ठीक है, और क्या होता है इसके साथ में, जो इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होना चालू हो जाता है, कम होना चालू हो जाता है. और एक टाइम ऐसा आता है जब सॉलिड कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. और इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, या तो मेल्टिंग और फ्यूजन. मेल्टिंग और फ्यूजन. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक कोई ऐसा पॉइंट होता होगा जब सॉलिड कम्प्लीटली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता होगा, तो वही टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड गेट्स कन्वर्ट इनटू करस्पॉन्डिंग लिक्विड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट. ऐसा पॉइंट या ऐसा टेम्परेचर जहां पर सॉलिड कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ पर कोई भी वेरिएशन इन प्रेशर ना हो, मतलब कि जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पे ही काम करते हुए टोटल जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, तो इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, और पूरी प्रोसेस को क्या बोलेंगे कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाने को क्या बोल देते हैं हम, मेल्टिंग और फ्यूजन. और वो एक पॉइंट जिस पे आने के बाद सॉलिड कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, हम क्या बोल देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन करता हूं, क्या मेल्टिंग पॉइंट सबके लिए डिफरेंट होता है या सेम होता है? तो एक्चुअल में क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट सारे सब्सटेंसेस के लिए कैसा मिलेगा, हमारे लिए डिफरेंट देखने को मिलेगा. ठीक है, क्यों डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि देखते हैं आप सारे सब्सटेंसेस में जो लैटिस स्ट्रक्चर होगा, जो उसका स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा. ठीक है, उसका जो जो बनावट होगी या जिस सब्सटेंसेस से वो बना होगा, जिस मटेरियल से वो जो बना होगा वो भी डिफरेंट होगा. तो इसके कारण किस में वेरिएशन आता है, मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन आता है. ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं कि आइस 0 डिग्री पर मेल्ट होता है. ठीक है, और अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो 146 या 150 के अराउंड ये मेल्ट होता है. ठीक है, और अगर आयरन की बात करें तो आयरन एक मेटल है तो ये कितने डिग्री सेल्सियस पे, अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस पे ये मेल्ट होना स्टार्ट होता है. सोच सकते हैं आप कि कितना ज़्यादा टेम्परेचर हमें इंक्रीज करना पड़ता है उसको मेल्ट कराने के लिए. ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चला कि जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो सारे सब्सटेंसेस के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा या फिर डिफर करेगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने दो टर्म लिखी हुई हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस. ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस में जो मेल्टिंग पॉइंट होगा या मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा. ठीक है, ये वेरी नहीं करेगा,
लेकिन इम्प्योर सब्सटेंसेस के लिए क्या करेगा, वेरी करेगा, ठीक है। और प्योर सब्सटेंसेस के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये सारी कहानी किसके बारे में थी, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में या फिर सॉलिड से लिक्विड के कन्वर्जन के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू कवर द लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। लिक्विड टू सॉलिड मतलब कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम इसमें हीट को निकाल रहे हैं, वहां पर हम क्या कर रहे थे, हीट को दे रहे थे, ठीक है। वहां पे हम क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, या फिर हम क्या कर रहे थे वहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। लेकिन लिक्विड में हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड टू सॉलिड अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें से हीट को एब्जॉर्व करेंगे, हीट को क्या करेंगे, हीट को निकालना चालू करेंगे, मतलब हीट को क्या करेंगे, रिलीज करना चालू करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आप एक फ्रिज में क्या करेंगे, फ्रीजर में आप क्या करते हैं, एक ट्रे रखते हैं, ठीक है। ट्रे में आप क्या करते हैं, लिक्विड को रखते हैं और थोड़ी ही देर के बाद आप क्या देखते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे होता है देखते हैं। जैसे आपने क्या किया, लिक्विड को उसमें रखा, ठीक है, ट्रे में रखा और ट्रे को रख दिया आपने फ्रीजर में, ठीक है। तो फ्रीजर में क्या हो रहा है, वहां पर हर साइकिल में, एवरी साइकिल देयर इज अ एनर्जी, एनर्जी को क्या कर रहे हैं, वहां पर एनर्जी को रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एवरी साइकिल में थोड़ी थोड़ी क्या कर रहे हैं, एनर्जी को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। तो थोड़ी ही देर के बाद आपको देखेगा कि एक टेम्परेचर ऐसा आएगा, एक फेज ऐसा आएगा जहां पे सॉलिड कंप्लीटली किसमें कन्वर्ट होना चालू हो जाए, सॉलिड नहीं सॉरी लिक्विड टोटली किसमें कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, सॉलिड स्टेट में। तो यही पूरे प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, या तो सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग, ठीक है। नाउ अब आपको एक टर्म देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब फ्यूजन रिएक्शन में अचानक से कैसे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमें देखने वाली बात लगती है कि यार ये होता कैसे है। तो यहाँ पर जो हीट जो काम करती है वो लेटेंट हीट काम करती है। जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट, हीटिंग जो होती है वो दो टाइप से होती है, एक तो सेंसिबल हीटिंग होती है और एक लेटेंट हीट होती है। सेंसिबल हीटिंग का मतलब कि आपका जीरो डिग्री है, जीरो डिग्री से 100 डिग्री तक आप क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन लेटेंट हीट में, लेटेंट हीट में हम जो एनर्जी जो देते हैं वो क्या करती है, सडन फेस चेंज करती है। मतलब ये जो हीट हम देते हैं ये फेस चेंज करने के लिए हम हीट को देते हैं, ठीक है। और लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, जो कि हमें पता नहीं चलती, जो कि आपके जो थर्मामीटर अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आने वाला। जबकि आप सेंसिबल हीटिंग की अगर बात करेंगे तो सेंसिबल हीटिंग में आपको टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अब जो कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये इसमें क्या होता है, इसको मैं डिफाइन करूँगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को, तो इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग लिक्विड फेज। मतलब कि 1 kg ऑफ सॉलिड को अगर आपको लिक्विड में फेज में कन्वर्ट करना है टोटली, तो कितने अमाउंट ऑफ हीट लगने वाली है, वही हीट क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेटेंट हीट में टेम्परेचर का वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलता, इसमें क्या होता है, सडन फेस चेंज देखने को आपको मिलता है। तो यही था कॉन्सेप्ट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू कवर लिक्विड टू गैस, ठीक है। अभी मैंने क्या पढ़ाया, सॉलिड टू लिक्विड के बारे में और लिक्विड टू सॉलिड के बारे में, ठीक है। ये एक कन्वर्जन था, सॉलिड टू लिक्विड को मैंने क्या कह दिया, मैंने इसको बोल दिया मेल्टिंग और फ्यूजन, और लिक्विड टू सॉलिड को मैंने क्या बोल दिया, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब मैं बात जो करने वाला हूँ वो है लिक्विड टू गैस की, ठीक है। जब लिक्विड टू गैस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो ये कैसे होता है देखते हैं। यहाँ पर जो एनर्जी जो काम करती है, देखिए एनर्जी तो हमें लगेगी, लिक्विड से अगर मैं गैस में कन्वर्जन हो रहा है तो ये यहाँ पर कुछ एनर्जी लग रही होगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट एनर्जी जैसे ही हम देंगे तो यहाँ पर सेम रिएक्शन होगी जैसे हम सॉलिड टू लिक्विड में देख रहे थे। यहाँ पर क्या होगा कि जो मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा, क्यों, क्योंकि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिसके साथ में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ वहाँ भागना चालू करेंगे, जिसके कारण टर्म मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
तो जो लिक्विड है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, गैस में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। और यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, ठीक है। सॉलिड में हम क्या देख रहे थे, सॉलिड टू लिक्विड में जब हम कन्वर्ट कर रहे थे तो वहाँ पे हम देख रहे थे वहाँ पर कौन सी हीट काम रही थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि वहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही थी, फ्यूजन रिएक्शन, जहाँ वहाँ जो प्रोसेस हो रही थी वो क्या हो रही थी, फ्यूजन प्रोसेस हो रही थी। इसके कारण वहाँ पर हम जो बात कर रहे थे हीट की उसको हम क्या बोल रहे थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पर यहाँ पर हो रहा है वेपराइजेशन, इसलिए हम बोलेंगे कि लिक्विड टू गैस में जो कन्वर्ट होता है वो किसके कारण होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के कारण। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती क्या है देखते हैं, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इन इट्स वेपर स्टेट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में वेरिएशन लाए बिना जब आप 1 kg ऑफ लिक्विड को इसके करस्पॉन्डिंग वेपर स्टेट में जब ला देते हैं तो इसी को हम क्या बोल देते हैं कि ये क्या हो रहा है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। और इस पूरी प्रोसेस को मतलब लिक्विड टू गैस फेज में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, वेपराइजेशन, ठीक है। अब जो अगला टॉपिक आता है वो है गैस टू लिक्विड। अभी मैं किस में बात कर रहा था, लिक्विड टू गैस, यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस टू लिक्विड फॉर्म, ठीक है। मतलब गैस है, गैस को आप कंडेंस करके क्या बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है, आप किसी भी एयर को क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर में ट्रैप करेंगे, धीरे धीरे क्या होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज या टेम्परेचर बढ़ाने के बाद में आप देखते हैं कि वो जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड स्टेट में। और इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर सॉलिड टू गैस, ठीक है। मतलब सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाए विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू अ लिक्विड स्टेट। मतलब कि जो सॉलिड है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा। क्योंकि आप जनरली किस में देखते हैं कि सॉलिड पहले किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में, फिर लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस स्टेट में। पर यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ कि सॉलिड डायरेक्टली किस में आप कन्वर्ट कर रहे हो, गैसियस स्टेट में। तो ये कैसे होता है देखते हैं, इधर पे हम क्या करते हैं कि सॉलिड को ऐसे कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें हम हीट देने के बाद में या फिर हम इसमें क्या करते हैं, टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण आप देखते हैं कि डायरेक्टली आपको गैसियस स्टेट को देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हम एग्जांपल में आपको दूँ तो ड्राई आइस और मॉथबॉल्स मीन्स कि जो आप देखते हैं ना कि कपड़ों में आप रखने के लिए जो आपकी वो होती हैं, ठीक है, वो बॉल्स के फॉर्म में होती हैं, उसको आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद में वो सॉलिड होती हैं लेकिन डायरेक्टली किस में स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, गैसियस स्टेट में। वहाँ सिर्फ उसका क्या रह जाता है, फ्रेग्रेंस रह जाता है और कम्प्लीटली किस में सॉलिड किस में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है, वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यही सॉलिड को डायरेक्टली हम जब सॉलिड को किस में गैसेस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेट, ठीक है। इसको कन्वर्ट डायरेक्टली कन्वर्ट करने को हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेट। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये बात थी सॉलिड टू गैस, सॉलिड टू गैस में हम जब कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, ये क्या है, सब्लिमेशन, ठीक है। नाउ वी आर कवरिंग गैस टू सॉलिड। अब देखना गैस से अब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर, अभी मैं क्या बात कर रहा था कि सॉलिड टू गैस, अब गैस से जब सॉलिड स्टेट में आएगा तो हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, डिपोजिशन, क्या है, डिपोजिशन, या फिर कुछ बुक्स में इसको कंडेंसेशन की तरह भी डिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ था स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये चार्ट आपको गिवन है, यहाँ पर देखिए मैंने शुरू में बताया था कि सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस काम कर रही होती है, मेल्टिंग और फ्यूजन। लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। फिर यहाँ पर सॉलिड टू गैस, अभी मैंने बताया जस्ट कि कंडेंसेशन कुछ बुक्स में लिख देते हैं, या फिर इसी सॉलिड टू गैस में जब कन्वर्ट होता है तो इसको क्या बोल देते हैं, सब्लिमेशन, ठीक है। और डायरेक्टली कन्वर्जन को क्या बोल देते हैं, सब्लिमेट, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कंडेंसेशन और बॉइलिंग के बारे में, ठीक है। तो ये सारा कुछ था इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। अब हम कुछ इफेक्ट्स ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर भी देख लेते हैं कि जैसे जैसे अभी तो हमने बात करी कि टेम्परेचर वेरिएशन के कारण क्या क्या चेंजेस आए स्टेट्स ऑफ मैटर में, लेकिन जब हम प्रेशर को वेरी करेंगे तो तब भी कुछ आपको चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तीन तरह से हम बात करेंगे, तो सॉलिड को जब हम प्रेशराइज करेंगे या लिक्विड को या गैसेस को। तो हम बात करें पहला कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिड। तो सॉलिड पे आपसे ये क्वेश्चन है मेरा, क्या
सॉलिड को आप प्रेशराइज कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं है, ये इसकी कंप्रेसिबिलिटी हम कैसे लेके चलते हैं, नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। तो यहाँ पर जनरली प्रेशर का ज़्यादा कोई इम्पैक्ट किस पे नहीं पड़ेगा, सॉलिड्स पे नहीं पड़ने वाला। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि कुछ हद तक मैं प्रेशराइज कर सकता हूँ लिक्विड को, लेकिन क्या ये बहुत हद तक मैं प्रेशराइज कर सकता हूँ, तो नहीं। तो जो प्रेशर का जो इम्पैक्ट है, जिन जो प्रेशर का जो इम्पैक्ट है, क्या वो स्टेट ऑफ मैटर पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो सॉलिड और लिक्विड में नहीं पड़ेगा। ये गैसेस स्टेट में ज़्यादा वेरिएशन होगा। कैसे? जब हम गैसेस स्टेट को हम क्या करते हैं, हम प्रेशराइज करना चालू करते हैं, गैसेस को हम क्या करते हैं, प्रेशराइज करना चालू कर देते हैं, तो धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे ये लिक्विडिफाई हो जाता है, ठीक है। और हम उसको और अगर प्रेशर में रखें, और ज़्यादा अगर हम प्रेशराइज करें, तो वो सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जब हम क्या करते हैं, प्रेशर को बढ़ाते हैं, गैसेस के ऊपर हम जब प्रेशर को लाते हैं, तो गैसेस किस में चालू हो जाती हैं कन्वर्ट होना, लिक्विड स्टेट में, मतलब क्या हो जाती हैं, लिक्विफाई हो जाती हैं, ठीक है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है, लिक्विड फिल पेट्रोलियम गैस जो आपके घर में जो आप यूज़ करते हैं, लिक्विड फिल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, जो गैसेस हैं उनको क्या कर देते हैं, हम प्रेशराइज कर देते हैं और उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यही बात करें ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं, या नाइट्रोजन सिलेंडर्स, ये भी सारे क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं। गैसेस स्टेट में होने के बाद इनको क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। प्रेशराइज करने के बाद इनको कंटेनर्स में फिल करते हैं और हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, एज अ लिक्विड की तरह हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये सारी कहानी थी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर। मतलब कि हमने टेम्परेचर को चेंज किया तो हमने क्या देखने को मिला, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, इंटर कन्वर्जन देखने को मिला। और प्रेशर में वेरिएशन के कारण भी हमें क्या मिला, इंटर कन्वर्जन देखने को मिला, ठीक है। So that's all for today. Thank you and have a nice day.